बनाया है गोभी की डंठल की सब्जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम कुकर लेंगे, इसको अच्छे से हीट कर देंगे। इसके बाद हम इसमें कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे, तीन चम्मच लिया कुकिंग ऑयल। इसे अच्छे से गर्म करेंगे और उसके बाद हम इसमें मेथी को ऐड करेंगे। मेथी डालना, अच्छे से पकने देंगे। जो बचा हुआ डंठल है गोभी का ये लिया है और इसमें हमने दो तीन गोभी को भी ऐड कर दिया है ताकि टेस्ट इसका और ज़्यादा बेहतर है। अब इसे हम इसमें ऐड करेंगे। अब ये बिल्कुल ब्राउन हो चुकी है, थोड़ी देर और इसे हम पकाएंगे। अब इसमें हम मसालों को ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने आधा चम्मच हल्दी लिया है, इसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और ये हमने दो चम्मच लहसुन लिया है, कटा हुआ टमाटर और ये हमने लिया लाल मिर्च पाउडर एक चम्मच और ये हमने लिया है किचन किंग मसाला मसाला है, ये पूरी तरह से भुन चुका है, आप देख सकते हैं इसका कलर अच्छा हो रहा है। अब इसमें हम दो बॉइल आलू लिया है हमने, ये ऐड करेंगे और इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसमें हम एक चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे। आप इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ऐड कर सकते हैं काली मिर्च। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड करिए, कम पसंद है तो कम ऐड करिए। ये इसे हम तब तक भूनेंगे जब इसका एक्स्ट्रा ऑयल हमें दिखने ना लगे। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे एक गिलास, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये बिल्कुल रेडी है। अब इसे हम चार सीटी लगने के लिए छोड़ देंगे। ध्यान रखने बात की बात ये है कि इसे हम कुकर में ही पकाएंगे। ये गर्मा गर्म हमारी डंठल की सब्जी बनके तैयार है। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए।